तेरे को और नया दिन, एक और नई गाड़ी। ये है भाई अपनी HR26 महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड जो जा रही है भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड। जी हाँ, इस ट्रिप का हमारा नाम है नमस्ते लंदन, जिसमें हम भाई 23 से ज्यादा कंट्रीज, 20,000 से ज्यादा किलोमीटर एंड 110 दिन जो है ये गाड़ी चला के दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप एंड फाइनली इंग्लिश चैनल क्रॉस करके पहुंचेंगे यूके लंदन में। ये भाई गाड़ी ना प्रॉपर रैप हो रखी है ब्लैक मैट में। अभी गाड़ी का जो ओरिजिनल कलर है वो भी ब्लैक ही था, बट वो शाइन वाला ब्लैक था और ये मैट ब्लैक हो गई है। अब इसकी वजह से ना भाई काफी ज्यादा डस्ट दिखती है इसमें। ये देखो, रात को गाड़ी खड़ी हुई थी, कल ही धुली है ये और सुबह सुबह फिर इसकी ऐसी हालत हो गई। और अभी इतनी मॉडिफिकेशन हुई है ना इस गाड़ी में कि अंदर से भी ना काफी ज्यादा ये गंदी हो रही है। तो आज भाई इसको ना थोड़ा चमकाते अच्छे से, क्योंकि कल हम फाइनली निकल रहे अपनी इस रोड ट्रिप के लिए। तो उससे पहले प्रॉपर वाली क्लीनिंग तो बनती है ना अपनी गाड़ी की, जैसे हम नहा के जाएंगे उस तरह से गाड़ी भी जानी चाहिए। तो इसलिए भाई इसको लेकर जा रहा हूँ मैं अभी डिटेलिंग बुल नोएडा में। इनका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे ये डिटेल डालते रहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हाँ जी, हाँ हाँ ले लो। तो अभी यहाँ रुके थे, पहले हम जूस पी रहे हैं, इतने अपने एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए। नोएडा से ही हो आप? हाँ भैया। अच्छा चलो ठीक है जी, ओके। देख लो भाई, गाड़ी सब अच्छी तो लगती है बट ये मिट्टी इतनी अच्छी नहीं लग रही, और अंदर से भी ना भसड़ मची पड़ी है गाड़ी में, क्योंकि इतना सामान था इतनी। ये देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा कचरा सा फैला हुआ है, सब अच्छे से साफ करवाना है अभी। तो जल्दी ना, देर नहीं करते, लेकर चलते हैं। अंकल जी बस जूस बना के दे दे फटाफट से। लो भाई आ गया अपना जूस ठंडा ठंडा, फटाफट चलते है भाई और कार्रवाई करते है गाड़ी की। तो जी लोग पहुंच गए हैं, ये रहा डिटेलिंग बुल नोएडा। एंड भाई एक्चुअल में काफी बड़ा है, मतलब गुड़गांव वाले से तो बहुत बड़ा है ये। अंदर तो मैंने भी नहीं देखा, पहली बार ही आ रहा हूँ मैं भी आज, तो लेट्स सी चल के क्या हाल है। है बड़ा भाई, काफी बड़ा है, और ये एरिया भी सही है भाई मेरे को लगता है, मतलब कार डिटेलिंग वगैरह के लिए ऐसे शांति वाला एरिया थोड़ा अलग से। गुड़गांव से आप आओगे दूर पड़ेगा, गुड़गांव वाला स्टोर है आपके लिए, बट नोएडा में रहते हो, फरीदाबाद रहते हो, तो यहाँ पे आ सकते हो। कहाँ से ले जानी है भैया? अंदर ले जानी है। तो ये मेरे ख्याल में एंट्रेंस बना रखी है गाड़ी अंदर डालने के लिए। तो लो भाई अंदर आ चुके हैं, एंड बहुत बड़ा स्टोर है भाई साहब, अलग ही फील आ रही है। गुड़गांव वाला मेरे ख्याल इससे काफी छोटा ही था, और यहाँ पे एक टाइम पे भाई साहब अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। इसका टूर मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा, फिलहाल इसकी भाई पहले वॉशिंग वगैरह करवाते हैं। एंड भैया के साथ एक बात चल रही है पैकेज को लेकर, कि जब भी आप किसी ट्रिप पे जाते हो ना, ऑफ रोडिंग ट्रिप पे, तो जाने से पहले और फिर ट्रिप पे आने के बाद आपकी ना पूरी गाड़ी की एक डीप क्लीनिंग की जाएगी, बाहर से भी अंदर से भी। तो वो एक बार वीर भैया या वेद भैया आ जाते हैं तब मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल सबसे पहले गाड़ी जाती है वॉशिंग के लिए, और मस्त एकदम चमचमाती हुई निकलनी चाहिए। बाहर से तो कम्प्लीटली गाड़ी अच्छे से धुल चुकी है, ज़्यादा प्रेशर लगवाया नहीं हमने इसमें, क्योंकि रैप अभी 3-4 दिन पुराना ही है तो दिक्कत हो सकती थी। अब बाहर के होने के बाद एक बार भैया सुखा रहे अच्छे से, और जहाँ जहाँ पे कुछ टचअप चाहिए थोड़ा बहुत वो हो रहे हैं, उसके बाद फिर मेनली अंदर की डीप क्लीनिंग करवानी है, वो ज़्यादा गंदी हो रही है। क्योंकि अब यार देखो, प्रॉपर ड्राई क्लीनिंग करने के लिए ना मैट तो निकालनी पड़ती है, बट सारा जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी बिल्कुल खाली कर दी, और मेरे जूते तक अभी भी इसी में पड़े हैं। तो ये देख लो, ये पूरा इवेंट वाले दिन की गंदगी है, पार्टी पूपर्स वगैरह, ये सारा का सारा साफ होएगा। डिक्की से भी सारा सामान निकालना पड़ेगा ये प्रॉपर, और इसी के साथ साथ ये फ्रिज भी, अपना फ्रिज भी लगा रखा है हमने इसी में, तो ये रखवा देते हैं अंदर ही, है ना, सेट कर देते हैं, फिर हो जाएगा साहब। यहाँ निकाल दिए भाई सारे अपने बॉक्सेस, इसके अंदर ये देख लो अपना सामान पड़ा है, काम यहाँ ये रहा। तो ये सारी एक्सेसरीज हम रस्ते में कैरी कर रहे हैं, एंड एक बॉक्स ये वाला है भाई, इसके अंदर भी एक्स्ट्रा पिलोज वगैरह है। तो रस्ते में भाई पूरा कंफर्ट होना चाहिए, कैंपर वैन की तरह हम लेकर जा रहे हैं इसे, मस्त अभी गद्दा बन जाएगा, लास्ट लोगों का किचन सेट भी आज मिल जाएगा, उसकी वीडियो शायद इस वीडियो से पहले आ गई होगी, तो आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट लेवल बना दिया भाई हमने अपनी स्कॉर्पियो को, मजेदार। साथ ही साथ रैप में जहाँ जहाँ छोटी छोटी दिक्कतें थी ना, वो भी भैया यहीं पे सॉल्व करवा रहे हैं ये हीट गन मरवा के।
अंदर करवा देंगे अच्छे से, ताकि कहीं भी बबल ना आए और कुछ भी मिट्टी घुस के ना रैप उखड़ने ना लगे। तो ये छोटी मोटी रिपेयर वाला काम भी अभी हो जाएगा, सही रहेगा। रात हो चुकी है भाई, अंधेरा हो गया और बारिश हो गई है शुरू तकड़े वाली। यहाँ तो पता नहीं चल रहा बट बिजली बिजली कड़क रही है। एंड हमने अपनी गाड़ी का भाई ये जो टेल लाइट थी ना, इसको भी स्मोक करवा लिया, तो काफी अच्छा लग रहा है अब देखने में। मतलब ऐसे रोशनी तो प्रॉपर आएगी बट दिखने में ना काफी वो हो गया है, मतलब इसमें मैट और ब्लैक में इंडल्ज सा, तो तगड़ी लग रही है ना काफी। बाकी जो छोटे मोटे रिपेयर से वो भी कंप्लीट हो गए हैं। जहाँ जहाँ से थोड़े थोड़े बबल्स थे वो भी जितने मैंने जो पाए वो सब सही करती है, तो अब कहीं से भी ना ज्यादा बबल्स दिख नहीं रहे हैं और ऐसे रैप भी निकला सा नहीं लग रहा। तो एक्सटीरियर का तो भाई हो गया, अब अंदर की ड्राई क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अपनी सारी सीटों में ना लेदर कोटिंग हो रखी है, तो जो भी दाग धब्बे ज्यादा देर टिकते नहीं है, गीला कपड़ा मारा उससे साफ हो जाते हैं। बट ये जो मैट होते हैं ना नीचे के भाई, इनमें काफी डस्ट और पार्टिकल्स ऐसे ना चिपक से जाते हैं जो निकलते नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं ये वैक्यूम क्लीनर का। इससे क्या भाई सब जितना भी डस्ट पार्टिकल है सारे ऐसे खींच जाते हैं मस्त इसके अंदर। और इसके अलावा ये पॉलिश है जिससे कि ये जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स है सब पे है। किसके लिए? टायर के लिए। अच्छा ये ओके ये टायर के लिए, प्लास्टिक के लिए नहीं है। यार देखो तो वैसे नो डाउट कि रास्ते में ये गाड़ी तो गंदी होनी है, 100-110 दिन की ट्रिप है तो ऑब्वियसली बात है भाई काफी कचरा भी हम अंदर ही फैलाएंगे तो गंदगी आनी है। बट स्टिल एक बार निकलने के टाइम पे गाड़ी साफ सुथरी हो तो ज्यादा अच्छा है ना। मैट पहले कितने गंदे हो रहे थे और अब देखो भाई सब चमक से गए हैं, नेक्स्ट लेवल ये देख रहे हो। ओए होए गजब, ये जूते मेरे मैं घर पे ढूंढ रहा था कब से और यहाँ मिले हैं बताओ। ये भी भाई साहब देखो मस्त चमक गया। ओए होए गजब, अभी सीट्स रह रही है, सीट्स करनी है। ये पेन वन निकले हैं बहुत सारे, यहाँ रखते हैं इसको। ये वाली है देखो भाई प्लास्टिक की, अब ये शीशी तो सेम है बट ये अंदर से अलग है भाई, वो टायर की अलग थी। तो अब ये इन वाले पैनल्स में लगाई जा रही है जिसके भाई शाइन जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। वैसे तो प्लास्टिक पार्ट्स पे आप लाइन एक्सपोर्टिंग भी कर सकते हो, काफी लोग थार में करवाते हैं बट वो ना थोड़ी ऐसे रफ एंड टफ सी फिर लुक देने लग जाती है। हालांकि अपनी ये स्कॉर्पियो है 4x4 ही बट इतनी प्रॉपर 4x4 नहीं बनानी कि ऐसे बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग व्हीकल ही लगे। अभी जितनी है भाई मेरे हिसाब से परफेक्ट है क्योंकि लुक मस्त आ रही है। ओए होए अलॉय व्हील वगैरह सब जो हमने करवा रखे हैं ना लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा, गन मेटल ग्रे करवा लिए थे एंड साथ में इसके कैलिपर भी हमने रेड करवा लिए थे, तो नेक्स्ट लेवल वाली लुक निकल के आ रही है। तो ऑलमोस्ट गाड़ी अब कंप्लीट हो जाएगी, बस इसमें ना सिर्फ स्टिकर रह गए हैं जो हमारे ब्रांड्स या फिर स्पॉन्सर है इस ट्रिप के, वो भी प्रिंट हो चुके हैं। कल सुबह सुबह वो लग जाएंगे, मेरे घर पे आने वाले हैं आधे पौने घंटे में। फिर उसको लगाने के बाद अपनी गाड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है लंदन के लिए निकलने के लिए, और कल हम फाइनली इसको लेके मंथर हो जाएंगे यानी कि 22 अप्रैल 2023। सेकंड रो की ड्राई क्लीनिंग हो गई, अपने बॉक्सेस रखवा देते हैं जिसको हम बेड बनाने वाले हैं। इसका मैट्रेस जब लग जाएगा ना तब भाई सब पूरा मस्त एकदम लुक आएगा, आपने तो देख ही लिया होगा, वीडियो आ चुकी होगी इससे पहले की। दूसरा वाला यहाँ रख देते हैं, अब ये सही बॉक्सेस है भाई, स्टोरेज का भी काम कर देते हैं एंड बेड का भी काम, तो इसके अंदर हम अपने ना सामान वगैरह या टूल किट वगैरह रख सकते हैं आराम से। एंड एसी यूनिट भी नहीं छुपती, मस्त एकदम है ना। एंड ये भाई साथ साथ में ना 2 स्कॉर्पियो खड़ी हुई है, और भाई साहब ये जो है भाई इसमें अलॉय व्हील 17 इंच का मिलता है और अपनी वाली में आपको बताइए 18 इंच का है। एंड साथ ही साथ में ऑल टेरेन 265 प्रोफाइल के टायर लगे हुए हैं जबकि इस वाली में जो है वो 245 है, तो 20 का ये फर्क हो गया। इसलिए आप अगर देख पा रहे हो ना ये गाड़ी भाई काफी नीचे लग रही है और अपनी स्कॉर्पियो ऐसे उठी हुई सी है अलग सी। ये देखो अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा शायद समझ आ जाए आपको, पता नहीं पर मेरे को आंखों से पता चल रहा भाई कि वो ऊंची ऊंची सी गाड़ी है, ये थोड़ी सी नीची गाड़ी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अलॉय व्हील के साइज की वजह से एंड टायर के साइज की वजह से हो रहा है, और तो हमने कोई लिफ्ट थोड़ी करवा रखा उसको। तो चलो भाई गाड़ी बिल्कुल चमक गई है अंदर बाहर दोनों तरफ से। भैया प्राइस बता दो कि नॉर्मल किसी ने खाली वॉशिंग करवाना हो और पूरा ड्राई क्लीन करवाना हो तो क्या खर्चा है? अगर बाहर से हम वॉश वैक्स करते हैं तो उसकी 600 रुपीज कॉस्ट आती है, और अगर हम इंटीरियर ड्राई क्लीन करते हैं उसकी 3500 कॉस्ट आती है। अच्छा, उसमें अंदर रूफ डैशबोर्ड कारपेट फ्लोर सीट्स हर एक चीज अच्छी है। वो पॉलिश करते हो सब इंक्लूडेड? हाँ, है ड्राई क्लीनिंग पॉलिशिंग कंडीशन सब होती है। ठीक है, और ये कितने टाइम में रेकमेंड करते हो आप करवानी चाहिए? अगर रनिंग ज्यादा है तो 6 मंथ में करा सकते हो, और रनिंग बहुत कम है तो साल में एक बार ट्रैकिंग करा सकते हो। और वैसे अगर जैसे कि कोई बहुत ज्यादा ट्रिप्स पे जाता है तो उसको तो जल्दी भी जरूरत पड़ सकती है ना, है ना। हाँ, तो अभी हम देखो 4 महीने लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं, एक बार करवा के जा रहे हैं और एक बार आके भी ड्राई क्लीन करवाएंगे ताकि जितनी भी गंदगी सीट्स वगैरह पे होगी वो सब साफ हो जाएगी। अभी बाकी देख लो आप भाई, बिल्कुल चमक गई है गाड़ी अंदर से, कहीं पर भी जो है वो मिट्टी या कुछ भी नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो मस्त एकदम ट्रिप पे साफ सुथरी गाड़ी में जाएंगे। बाकी डिटेलिंग बोल के काफ़ी सारे स्टोर्स हैं इंडिया में, सबकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं फिलहाल आया हुआ था भाई नोएडा वाले में, गुड़गांव में
भी है, दिल्ली में भी है। सबसे भैया जल्दी स्लॉट कहाँ मिल जाता है आपके हिसाब से? यही सबसे जल्दी मिलता है, नोएडा में ही। ये थोड़ा बड़ा स्टोर है, हाँ। कैपेसिटी गाड़ियों की ज्यादा है, स्टाफ भी ज्यादा है, तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पे वॉक इन भी आते हो तो हम ट्राई करते हैं कि आपको वॉक इन में भी आपको सर्विस दे पाए। ठीक है, तो वॉक इन का मतलब है वैसे तो जनरली जितने भी स्टोर्स है वहाँ पे आपको बुकिंग करके अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट भी आ सकते हो तो हो सकता है काम मिल जाए हाथों हाथ करके, है ना। तो जिस तरह से हमने अलॉय भी करवाया यहाँ पे, पूरा इंटीरियर क्लीन भी करवाया, बाहर से भी वॉशिंग हुई, वो सब आप काम इसमें करवा सकते हो। बाकी प्राइसिंग भैया ने बताई दी। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, मिलते हैं जल्दी ट्रिप से आके, है ना। आपकी आपसे भी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।